हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ग्लैम गाइड। सो जैसे कि आप थंबनेल देख ही चुके हैं, ये वीडियो है रिव्यू वीडियो, स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स के रिव्यू वीडियो। जितने भी प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं स्विस ब्यूटी के, मैं उन सबका रिव्यू करने वाली हूँ। एंड बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू होगा, जो प्रोडक्ट्स अच्छे हैं उनको अच्छा, जो प्रोडक्ट्स बहुत हिट नहीं है उनको मैं रिव्यू वैसे ही करूँगी। सो फर्स्ट कम फर्स्ट, पहला जो प्रोडक्ट आता है मेरी लिस्ट में वो है रियल मेकअप बेस स्विस ब्यूटी का। गाइस लाइक यू कैन सी दिस वन, मैंने बस इतना ही लिया है एंड आप उसका रिजल्ट देख के अमेज्ड हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहते हैं जो मैक के सोप क्रीम का ड्यूप हो, तो दिस वन इज परफेक्ट। मतलब कि बिल्कुल ही जिसे कहते हैं हम शक्ल होते हैं ना, वैसा है। सो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको अपना मेकअप स्टार्ट करने से पहले बेस लगाना है तो आप ये ज़रूर लगाएं। जैसे मैक की स्ट्रोक क्रीम आपको इफेक्ट देती है, वैसे ही सेम ये इफेक्ट आपको देगी, आपको बहुत ही ग्लोई इफेक्ट देगी। देख सकते हैं आप, इतने छोटे से इतने कम प्रोडक्ट में ही बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिल जाता है। सो मेरा तो ये पर्सनल फेवरेट है, मैं हमेशा इसे ही यूज़ करती हूँ और बहुत हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है मेरी तरफ से। एंड देन उसके बाद में हमारा फाउंडेशन आता है। मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का हाई कवरेज फाउंडेशन लिया था गाइस। लिटरली मैं बताऊँ तो अगर आप इसे डेली बेस में यूज़ करें देन इट इज़ गुड, बट इट इज़ नॉट हाई कवरेज। हाई कवरेज ये नहीं है, आप देख सकते हैं, इट इज़ नॉट हाई कवरेज। अगर आप डेली बेस में यूज़ कर रहे हैं तो ये ठीक है, अदरवाइज इट इज़ नॉट दैट मच गुड। जितना इसके डिस्क्रिप्शन में है उतना अच्छा प्रोडक्ट ये है नहीं। सो ओके ओके, अगर आपको डेली बेयर यूज़ करना है, लाइक डेली में फाउंडेशन यूज़ करते हो आप, देन यू कैन गो फॉर इट, बट इट्स नॉट हाई कवरेज। ओके, एंड देन उसके बाद मेरे पास है लिक्विड इल्यूमिनेटर हाइलाइटर। इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है, यू कैन सी द पैकेजिंग लाइक दिस। एंड ये प्रोडक्ट ड्रॉपर इसका बिल्कुल वेस्ट है, क्योंकि ये ड्रॉपर यूज़ होता नहीं है, एज अ ड्रॉपर इसको यूज़ कर नहीं सकते। सो मैं देखिए यहाँ पे लगा के दिखाती हूँ आपको अंदर इफेक्ट इज। पैची हो जाता है थोड़ा थोड़ा, ग्लो ठीक ठाक देता है बट पैची हो जाता है। सो फाउंडेशन और हाइलाइटर जो मैंने यूज़ किया है उतना ज़्यादा अच्छा है नहीं, बट इसका जो इल्यूमिनेटर बेस जैसे मैंने आपको बताया था वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड देन उसके बाद में हमारा आता है काजल। काजल तो जेड ब्लैक है, बहुत ही अच्छा काजल है। ट्रांसफर प्रूफ है, लाइक स्मज प्रूफ है जैसे कहते हैं, स्मज नहीं होता है बहुत जल्दी से, इजीली बहुत लॉन्ग स्टे करता है एंड बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। सो दिस इज रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। एंड द नेक्स्ट वन इज स्विस ब्यूटी का आईलाइनर। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, एंड इट इज लुक लाइक दिस। यू कैन सी दिस वन इज आईलाइनर, बट ये सूखने के बाद थोड़ा सा लाइक पॉली जैसा हो जाता है, लाइक ऐसे सो स्मज भी हो जाता है, तो नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड दिस वन। लाइक ये है स्विस ब्यूटी आईलाइनर, और कोई स्पेसिफिकेशन इसमें मेंशन नहीं है, इस पैकेजिंग के साथ आता है। सो दिस इज आल्सो नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। एंड दिस वन इज लिप ग्लॉस। दिस इज तो अमेजिंग प्रोडक्ट है, मैंने अभी भी अपने लिप्स पे यही ग्लॉस लगा रखा है। एंड दिस इज जस्ट लुक एट दिस, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। सो थम्स अप फॉर दिस। एंड मेरे पास इसके कुछ लाइक कलर्ड काजल भी हैं, सो हम इसका पिगमेंटेशन चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इसके स्वेचेस। यू कैन सी दिस हाईली पिगमेंटेड है, वर्थ इट। मतलब बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। सो आप अगर कोई भी लाइक इन बजट आप कोई कलर्ड काजल ढूंढ रहे हैं, आप इसको आईलाइनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, तो यू कैन गो फॉर इट दिस। एंड द सेकेंड प्रोडक्ट, सॉरी, एंड द अदर प्रोडक्ट इज स्विस ब्यूटी की बिंकी पैलेट है। बहुत लोग यूज़ करते होंगे इसको, बट मैं आपको उसके स्वेचेस दिखाती हूँ गाइस।
मतलब मैंने तो इसको सेल में खरीदा था, तो मुझे तो और चीप पड़ी थी ये, बट आप इसके स्वेचेस देख लो, हाईली पिगमेंटेड है, ये मैट है एंड दिस इज शिमरी, को दिखाती हूँ, हाईली पिगमेंटेड है, हाईली पिगमेंटेड है, यू कैन गो फॉर इट, गो फॉर इट, मतलब बजट फ्रेंडली इससे अच्छी पैलेट आई डोंट थिंक सो कोई होगी। सो आपको इसमें शिमर शेड शेड्स भी मिल जाते हैं और मैट शेड्स भी मिल जाते हैं। देन उसके बाद मेरे पास स्विस ब्यूटी के लूज पिगमेंट्स भी हैं जो हम यूज़ करते हैं। सो दिस इज हाउ इट लुक लाइक्स, एंड मैंने बहुत ज़रा सा लिया है, जस्ट पिंच ऑफ द प्रोडक्ट, जस्ट यू कैन सी, एंड दिस इज द पिगमेंटेशन, यू कैन सी, वेरी अमेजिंग, वर्थ इट, दिस इज ऑल्सो रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। एंड मेरे पास इसकी ऑल्सो एक ऐसे ग्लिटर पैलेट है, दिस इज स्विस ब्यूटी ट्विंकल टाउन पैलेट, बट ऑल्सो इट इज वेरी लाइक यू कैन सी द ग्लिटर्स, बट ये ज़्यादा स्टिक नहीं करती है, लाइक के अगर आप इसे डैप 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 करके पूरा लगाना चाहें तो वो नहीं लगता है, ग्लू का थोड़ा सा इसमें मिसिंग है। सो बट हाँ ठीक है, प्रोडक्ट लाइक प्राइस के हिसाब से इट इज़ गुड। सो इफ यू वॉन्ट सम लाइक बजट फ्रेंडली ग्लिटर पैलेट, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट। एंड दिस इज द लिपस्टिक, लास्ट प्रोडक्ट, दिस इज द लिपस्टिक आई हैव, इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है लिप क्रेयॉन की, एंड मैट है ये, हाथ में कुछ बचा ही नहीं, एंड यू कैन सी दिस, द पिगमेंटेशन इज अमेजिंग अमेजिंग गाइस, बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, बहुत बजट फ्रेंडली है, और अभी थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल मैट हो जाएगी, इट्स नॉट ट्रांसफर प्रूफ, ट्रांसफर प्रूफ भी नहीं है। सो अगर मैं बात करूँ प्राइस के हिसाब से, इससे अच्छे प्रोडक्ट्स आई डोंट थिंक सो आपको मिलेंगे, अगर आप बहुत बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं और आपको डेली वेयर डेली पर्पस के हिसाब से चाहिए प्रोडक्ट्स, तो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं फॉर स्विस ब्यूटी के लिए। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मैंने आपको फाउंडेशन बताया, हाईलाइटर बताया इसका, दैट इज़ नॉट दैट मच गुड, बट अकॉर्डिंग टू प्राइस रेंज इट्स वेरी गुड प्रोडक्ट्स, लाइक स्विस ब्यूटी ने बहुत ही अच्छी रेंज निकाली है फॉर बजट फ्रेंडली पीपल्स, जो बहुत ही लाइक बजट फ्रेंडली हैं, बहुत ही ज़्यादा बजट में अपना मेकअप खरीदना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी रेंज है स्विस ब्यूटी, यू कैन गो फॉर दैट। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड इसको शेयर करें जितना आप कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट कि वो भी स्विस ब्यूटी के रिव्यू देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।